इंडस्ट्रियल बनी है यहाँ पर, और ये जो जगह है आप देख रहे हैं अच्छा खासा मतलब घास ढलियानों का जगह रहेगा, और इसमें अगर कारखाने बनते रहते तो देखिए इस तरह से झाड़ी है तो सांप तो रहते ही है, आम बात है, और हमें पता नहीं रहता, हम देखने के बाद सब सोचते हैं उसमें भी निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, नहीं तो सांप हमारे इधर रहते हैं भले बड़े होते रहते हैं, सिर्फ देखते हैं उस दिन आते ऐसा नहीं, और देखने के बाद वो हम पकड़ते हैं आप मारते हैं चले जाते हैं, दूसरे नहीं आते ये भी नहीं कह सकते। ऐसी एक जगह पर हम आए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर दो सांप अभी फ़िलहाल तो दिखाई दे रहे, मतलब एक छोटा भी उनको दिखाई दे ऐसा उनका मानना है, तो ये देख सकते हैं इस तरह से घोनस जो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और ये टंकी में पड़ा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा दिखाई दे रहा है, मेल फीमेल होने की भी संभावना है, और इनका प्यार देखिए कि एक कुदा तो उसके साथ दूसरा भी कुदा है, और इस तरह से इसमें गलती से, मैं तो मजाक कर रहा था लेकिन गलती से वो इसमें गिरे हैं। पानी घोनस सांप के लिए अच्छी जगह बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पानी रहता है तो उसको प्रॉब्लम आ सकता था, और यहाँ पर बैठने के लिए थोड़ी सी ओपन जगह है इसलिए वो रहे, घास की जगह है, लेकिन 8 दिन से भी ज़्यादा वक्त पड़े हैं यहाँ पर ये सांप, और इनको निकालना ज़रूरी है क्योंकि नहीं निकालेंगे तो मर सकते हैं। सांप काफ़ी दिन भूखा प्यासा रह सकता है, यहाँ तो पानी तो है लेकिन भूखा भी बहुत दिन रह सकता है, लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता तो इनकी जान खतरे में है, इसलिए सही में गड्ढे से निकाला तो उसकी जान बचाए जैसा है, एक नहीं बल्कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये दो दिखाई दे रहे हैं। नहीं पूर्ण थकलेला आहे सर ते। नहीं ना सर। ओहो नहीं थे आतला अमरीश पुरी बोला ले 8 सेकंद झाले ह्याला पकडायला दोनों की लंबाई इतनी है, लेकिन ये जो है मेल और वो फीमेल हो सकता है, और उतना चर्चा नहीं, और थोड़ा सा ठंडा मतलब रात में भी ठंडे में रह चुके हैं, और थोड़ा सा अच्छा ऊपर जगह था अच्छा हुआ, लेकिन सिर्फ पानी रहता तो उनको बचना मुश्किल होता था। 8 दिन इसमें रह चुके हैं, और आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको रेस्क्यू किया और ये बच गए। ऐसे झाड़ झंकल वाला एरिया है तो घोनस आपके आस पड़ोस में रह सकते हैं, संभल के रहिए, सुरक्षित रहिए, चाहे वो काम की जगह हो, पढ़ने की जगह हो या घर हो, हमारे आस पड़ोस में ज़िंदगी तो सांप निकालते रहते हैं, हम सिर्फ देखने के बाद नेगेटिव सोचते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पहले तो रहते ही है, इतना सब हम सोचे सांपों को पहचाने जाचे परखे, ये हमारा उद्देश्य है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और सांपों को बचाने का और दर्द दूर करने का सफर जारी है। आप हमारे साथ हमेशा रहे, इसी तरह बने रहिए। आपके हौसला अफजाई के लिए और आपने जो हिम्मत हमें बढ़ाई है, हमें प्रोत्साहन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।